हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिलीशियस चाउमीन की रेसिपी बनाएंगे। मैं वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे जो चाउमीन है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगी और जो टेक्सचर है एकदम मार्केट में मिलने वाली चाउमीन जैसा ही आएगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं रेसिपी को। सबसे पहले नूडल्स को बॉयल करना है। इसके लिए आप किसी भी बड़े बर्तन में पानी को ले लीजिए। मैंने यहाँ पर ये 2 लीटर पानी लिया है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। और जब पानी बॉयल होने लगे फिर इसमें ये जो मैंने नूडल्स लिए हैं इनको डाल देंगे इस तरीके से। नूडल्स को पानी के अंदर डिप करना है। इसके बाद में इस तरीके से फॉक से नूडल्स को अलग कर लेंगे। नूडल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 80% तक ही कुक करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको कुक कर लेंगे तो जो नूडल्स हैं वो स्टिकी हो जाएंगे। चेक करना है अभी नूडल्स को, ये देखिए टूट नहीं रहे हैं। अभी 30 से 40 सेकेंड तक और बॉयल करेंगे। नूडल्स को बॉयल होने में 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है। ये देखिए अभी ये आसानी से टूट रहा है। बस इतना ही बॉयल करना है इनको। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और नूडल्स को किसी स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेंगे और इसको अच्छे पानी से धुल लेंगे जिससे जो इनका स्टिकीनेस है वो निकल जाएगा। ये देखिए नूडल्स को मैंने धुल लिया अच्छे तरीके से। ये एकदम अलग अलग नूडल्स हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बस इससे जो नूडल्स हैं एकदम अलग अलग बनेंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। नूडल्स को एकदम तैयार कर लिया है फ्राई करने के लिए। इनको साइड में रख देते हैं, तब तक सब्जियों को देख लेते हैं जो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। सब्जियों में मैंने ये शिमला मिर्च ली है, ग्रीन शिमला मिर्च है। ये थोड़ा सा प्याज है, इसको इस तरीके से कट कर लिया है। थोड़ा सा ये स्प्रिंग अनियन है, हरा प्याज, इसको भी इस तरीके से कट कर लिया है। थोड़ी सी ये लाल शिमला मिर्च है, इसको भी इस तरीके से कट किया है। आपके पास है तो कीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट है या फिर लहसुन अदरक को ग्रेट कर लीजिए। और ये कटी हुई हरी मिर्च है, ये थोड़ी सी पत्ता गोभी, इसको भी इस तरीके से कट कर लिया है। कढ़ाई में बटर डालेंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर में बनाने से इसका जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसको इस तरीके से मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ये जीरा, हरी मिर्च, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट सॉटे करेंगे। थोड़ा सा कटी हुई प्याज, इसको भी 30 सेकेंड तक ही रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। पत्ता गोभी, इसको भी 30 से 40 सेकेंड तक ही रोस्ट करेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो इनका क्रंचीनेस चला जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पोर्शन है, इसको भी डाल देंगे और 30 से 40 सेकेंड तक इसको भी रोस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से शिमला मिर्च को सबसे लास्ट में डालेंगे जिससे कि ये अपना टेक्सचर लूज ना करे। ये देखिए मैंने दोनों तरीके की शिमला मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा ये चाउमीन मसाला आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को बस इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। थोड़ा सा ये स्प्रिंग अनियन, इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये 1 चम्मच विनेगर है, इसको ऐड करेंगे। उसी चम्मच से मैंने ये 2 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच ये रेड चिली सॉस है, 2 चम्मच ये टमाटो सॉस, इसको भी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे सॉसेस को इस तरीके से। 30 से 40 सेकेंड तक कुक करना है। लास्ट में आधा चम्मच ये ग्रीन चिली सॉस को ऐड किया है, मिक्स कर लेंगे। सॉस की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो बॉयल नूडल्स थे वो इसमें डाल देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा ये सॉल्ट, नमक डालते हुए आपको ध्यान रखना है कि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है और जब बॉयल किया था तभी भी सॉल्ट डाला था। और इस तरीके से फॉक से और स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करना है नूडल्स को सॉसेस के साथ में। आप देख सकते हैं नूडल्स एकदम अलग अलग हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है।
आप भी इसी तरीके से अपने घर में ही बना सकते हैं नूडल्स को। थोड़ी सी ये काली मिर्च, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा चाउमीन मसाला मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब चाउमीन का कलर और टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, एकदम मार्केट में मिलने वाली चाउमीन जैसा ही। चाउमीन को अच्छे से मिक्स कर लिया सॉसेस के साथ में। बस चाउमीन बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, जो सब्जियां हैं उनको हाई फ्लेम पे कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये देखिए जो नूडल्स हैं एकदम अलग अलग बने हैं, चाउमीन बनके एकदम रेडी है। इसको सर्व कर लेते हैं इस तरीके से, स्पैचुला और फॉक से डालेंगे प्लेट में। ये देखिए कितने अच्छे नूडल्स बने हैं, आप भी बना सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसी तरीके से सर्व करेंगे। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से गार्निश करके इसको चिली सॉस और टमाटो सॉस के साथ में सर्व करेंगे। आप भी घर में ही बहुत अच्छी सी चाउमीन बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे नूडल्स बने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।